लेज़र हेयर रिमूवल में मिनिमल डिस्कम्फर्ट हो सकता है विद सम मशीन्स, बट विद एडवांस्ड मशीन्स देर इज़ नो पेन। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर साइका किरमानी फ्रॉम स्किन क्लब। We are located in Civic Center, Phase 4, Berry Uptown, Rawalpindi. My main area of expertise is lasers and aesthetics. So we deal with all the problem related with aging, sagging, wrinkles, dark eye circles, pigmentary disorders like melasma, acne and acne scar issues. We also deal with skin whitening treatments and weight loss treatments. So if you are interested in any of these procedures, you can contact us by taking an appointment. आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेज़र हेयर रिमूवल। लेज़र हेयर रिमूवल एक सादा सा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप फेस और बॉडी के गैर ज़रूरी बालों से हमेशा के लिए निजात हासिल कर सकते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल कैसे होता है? लेज़र हेयर रिमूवल में हम हेयर फॉलिकल को इंटेंस लेज़र बीम से टारगेट करते हैं, इससे हेयर फॉलिकल का फंक्शनिंग आहिस्ता आहिस्ता करके वीक हो जाती है और हेयर फॉलिकल काम करना छोड़ देता है और आपके गैर ज़रूरी बाल निकलना बंद हो जाते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट किस तरह से बालों को हमेशा के लिए ख़त्म करता है? इस ट्रीटमेंट में हमें कुछ सेशंस लेने पड़ते हैं। दीज सेशंस आर स्पेस्ड 4 to 6 weeks अपार्ट। इसमें हर सेशन में हेयर फॉलिकल आहिस्ता आहिस्ता करके वीक होता रहता है और इसमें फाइनली बाल निकलना बंद हो जाते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल इज़ एक्चुअली परमानेंट लेज़र हेयर रिडक्शन है। इसमें बॉडी के 80 to 85% तक बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल कितने टाइम के लिए इफ़ेक्टिव होता है? वंस आपने लेज़र हेयर रिमूवल से अपनी ट्रीटमेंट्स ख़त्म करवा ली हैं, आपके सेशंस ख़त्म हो गए हैं, तो आपके बाल दोबारा नहीं आएंगे। क्या लेज़र हेयर रिमूवल एक पेनफुल ट्रीटमेंट है? लेज़र हेयर रिमूवल में मिनिमल डिस्कम्फर्ट हो सकता है विद सम मशीन्स, बट विद एडवांस्ड मशीन्स देर इज़ नो पेन। लेज़र हेयर रिमूवल के लिए कितने सेशंस की ज़रूरत होती है? बॉडी लेज़र हेयर रिमूवल यूजुअली 6 to 8 सेशंस में कम्प्लीट हो जाता है, बट फेशियल हेयर मे टेक अ लिटिल लॉन्गर, स्पेशली इफ़ देर इज़ सम अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम लाइक पॉलीसिस्टिक ओवरी और हर्सिटिज़म। तो इसमें फिर क्लाइंट की हम कंसल्टेशन करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली उसको उसकी ट्रीटमेंट को टेलर करते हैं। क्या लेज़र हेयर रिमूवल के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? लेज़र हेयर रिमूवल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट कुछ मशीन्स के साथ माइल्ड स्वेलिंग एंड रेडनेस हो सकती है जो कि खुद ब खुद कुछ घंटों में ख़त्म हो जाती है। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स तो हम उनको नहीं कह सकते, बट पोस्ट ट्रीटमेंट कंडीशन उसको हम कहेंगे। तो उसमें ये कि कुछ मशीन्स के साथ रेडनेस 1 to 2 दिन में जाती है, जैसे एनडीएग लेज़र है, और मशीन इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन हु इज़ बिहाइंड द मशीन। तो उसकी अगर प्रॉपर सेटिंग्स हो मशीन की तो ऐसी कोई रेडनेस और स्वेलिंग का मसला नहीं होता। क्या लेज़र हेयर रिमूवल फुल बॉडी पे किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल फुल बॉडी से ट्रीट की जा सकती है, इंक्लूडिंग अंडर आर्म एरिया एंड बिकिनी एरिया। क्या लेज़र हेयर रिमूवल के लिए किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है? जी, ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट के साथ एक डिटेल डिस्कशन होती है और उसकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। अगर कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम है लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तो उसको एडवाइस किया जाता है कि वो इसको भी एड्रेस करे। इसके अलावा कुछ मशीन्स ऐसी हैं जिसमें हेयर को पहले रेजर के साथ रिमूव किया जाता है, लाइक आईपीएल और पोलिस डायोड लेज़र्स, और सम मशीन्स लाइक एनडीएग लेज़र्स, इसमें बाल उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती और लेज़र डायरेक्टली बाल को हीट करता है। जी, अगर किसी हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से ज़्यादा फेशियल हेयर ग्रोथ है तो क्लाइंट के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है, उसको एडवाइस की जाती है कि इस प्रॉब्लम को भी वो एड्रेस करे
और उसको बताया जाता है कि ऐसे क्लाइंट्स में कुछ ज़्यादा सेशंस लग सकते हैं बालों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। क्या लेज़र हेयर रिमूवल के रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं? जी, लेज़र हेयर रिमूवल के रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये परमानेंट हेयर रिडक्शन है, इससे 80-85% ऑफ हेयर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ क्लाइंट्स को एक टॉपन सेशन की ज़रूरत पड़ती है जो कि वंस इन एन ईयर हो सकता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज प्रोसीजर्स, यू कैन कॉन्टेक्ट अस बाई टेकिंग एन अपॉइंटमेंट ऑन द नंबर गिवन बिलो।